नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनीय अशोका, जय भीम साथियों। आज 5 नवंबर, बढ़ते हुए कदम पर कल मेरा हैप्पी बर्थडे है। चलो दोस्तों, इस खुशी पर बुद्ध वंदना से शुरू करता हूं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि।
साधु साधु साधु। साथियों, 5 नवंबर 2022 मेरे हैप्पी बर्थडे पर इस खुशी की बात है कि मेरे घर में मेरे भाई की लड़की डॉली दिलीप फुलेकर दूसरा नातू लेते हुए आई है। मैं इस बात के लिए खुशी मनाता हूं कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, उनके भी लड़के की शादी मेरे घर में हुई। मेरी लड़की की भी शादी हमारे नातू में हुई। साथियों, सबसे पहले जिसने मुझे जन्म दिया वो श्री रामन मोहन फुलेकर और मेरी माँ पोवरा हीरामन फुलेकर। बड़े नम्रता के साथ मैं उनके स्टैचू को नमन करता हूँ। उनके समाधि पर भी नमन करता हूं। क्योंकि जिस मां ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे पिताजी 14 अप्रैल 2002 में गए और मेरी माता 10 साल के बाद में सितंबर महीने में गए। इस बात का मुझे गर्व होता है कि दोनों की समाधि एक संग में रखने की ताकत रखा। भाई की भी समाधि एक साथ में रखा और वहां सुंदर करने का लक्ष्य करते हुए उनके खातिर आज फादर हाउस बन गया है। फादर हाउस, मदर हाउस, ब्रदर हाउस आज बनके तैयार है, जहां परम पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का उच्च पुतला, उच्चा पुतला, जहां ताजमहल की झलक आती है, और मेरे 62वें जन्मदिन पर लास्ट ईयर भगवान बुद्ध की प्रतिमा 62 फुट के हाइट पर, इस साल भी मैं एक बुद्ध की जगह उतने ही हाइट पर दूसरा बुद्ध लगाने जा रहा हूं। तो दोनों बाजू से बुद्ध दिखेंगे। फिर हर साल एक और बुद्ध आएगा, फिर दूसरा बुद्ध आएगा, ऐसा फोर्थ मूव बुद्ध करके इस प्लेस को सुंदर दिखने वाला है। इस गार्डन में महात्मा फुले, सावित्रीबाई रमाबाई के भी स्टैचू है। यहाँ
सच्चिदानंद विद्या विहार है, जहां हर महान लोगों की तस्वीर है। दोस्तों, हैप्पी बर्थडे कोई बड़ी बात नहीं, आता है जाता है, लेकिन मैं इस हैप्पी बर्थडे पर 6 तारीख से इस ठंडी के वातावरण में जो मेरे गरीब साथी हैं, जिन्होंने मुझे देखते हैं और प्रेम से बातें करते हैं, उन सभी लोगों के यहाँ ठंडी के ब्लैंकेट जाए और उस ब्लैंकेट में हर घर में जितने कैंडिडेट आला है इंडिया का नवा बचत बाजार स्मार्ट बाजार इस आशा के साथ में मेरे हैप्पी बर्थडे की शुरुआत करता हूँ। Yeah.
वज्जानी कम्माने एतन मंगल मुत्तमन नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मो संबुद्धस्य संयम अपमादो च धूमेतं मंगलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मो संबुद्धस्य गारवो च निवातो च संतोषी च कथयुता कालेन धम्म सगण एतं मंगलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मो संबुद्धस्य समणानंच दसन कालेन धम्म साख च एतं मंगल मुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मो संबुद्धस्य निर्वाण सच्चिकिरियाचं मंगलमुत्तमम् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मो संबुद्धस्य लोकधम्मेह कंपति असुकं विरजं केतं मंगलमुत्तमं उत्तमं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मो संबुद्धस्य एतादृशानि कृतवान् सपत्थंगपराजिता सपत्थसुति गच्छन्ति तं ते संमंगलमुत्तमन्ते नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मो संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मो संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि मेरे जिंदगी में जामा सुख और सुख है। मेरी विशेष विद्या सच्चिदानंद को लेकर एक अच्छी गुरुणी है, संघर्ष करने वाली लेडी है और मैं इस बात के लिए खुश हूं। मेरा परिवार खुलेकर परिवार और हिंदुताई परिवार, इस बात के लिए मैं खुश हूं कि मेरे सभी लोग अच्छे हैं। एक आधा होगा लेकिन सभी हिंदुताई परिवार, मैं हर हिंदुताई परिवार, सभी मेरे से छोटे हैं इसलिए मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और सभी की जिंदगी में फुल समाधान रहो इस आशा के साथ। जिस दिन लोग मुझे हंसते थे, ना मेरे को बैठने को जगह थी, ना स्कूल था, ना कॉलेज था,
आज मैं इतना समाधानी हूँ कि इस साल हर स्कूल को सजाने में लगा हूँ। फादर हाउस तो नंबर वन है, नागपुर का कॉलेज भी नंबर वन है, भंडारा के भी कॉलेज नंबर वन रहेगा और हरदोली पांड्रापुरी वायगांव साले खुर्द आले सुर पीटे गोडी टोला और तुमसर के सभी प्राइमरी स्कूल, इनको सजाने में मेरा टाइम जा रहा है। मैं बहुत बिजी हूँ लेकिन ये करते करते कई सामाजिक काम भी मैं कर रहा हूँ। मेरे सभी स्टूडेंट और शिक्षक घरों के साथ में मेरी दोस्तानी है, उनके परिवार में हर बात होती है तो मैं ज्वाइंट हो रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, जिस घर में ठंडी के ब्लैंकेट नहीं हो वहाँ ठंडी के ब्लैंकेट होंगे। इस खुशी के साथ में कि दिलीप फुलेकर ये मेरा बहुत अच्छा भाई था, हम आठ भाई फादर हाउस के गेट में जैसे भी जाते हैं तो गेट दिलीप फुलेकर की देन है, सुंदर गेट। फादर हाउस ऐसा बन रहा है तो दुनिया में ऐसा प्लेस नहीं बनेगा, इस बात के लिए मैं खुश हूं। इस साल मैं 1000 से भी ज्यादा पेड़ लगा रहा हूं अकेला, तो फादर हाउस से 5 किलोमीटर के अंतर पर फुलेकर फार्म हाउस है और एक सुंदर नगरी बनते जा रही है। मैं इस बात के लिए खुश हूं कि ताई के रियल स्टैचू 10 बनने के लिए मैंने ऑर्डर दिया है और सुंदर स्टैचू हर स्कूल में एक स्टैचू रहेगा। और मैं इस बात के लिए खुश हूं कि मैं विद्यादेवी प्राइमरी स्कूल में बुद्ध का स्टैचू लगा रहा हूं। तो 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के विद्या देवी प्राइमरी स्कूल में स्टैचू लगेगा उस एरिया में और स्कूल में भी लगेगा। एक स्टैचू टावर हाउस में भी लगेगा और एक स्टैचू हिंदुताई मेमोरियल प्राइमरी स्कूल में भी लगेगा। और एक स्टैचू मेरा दोस्त मानिक चिंदूराम टेके इनके घर के पास लगेगा। इस गांव में सभी के घर में मेरा लड्डू जाए, इस आशा के साथ में मैं काम करने जा रहा हूँ। हर घर में मैं मिठाई बांटूंगा, ये भी काम मेरा चल रहा है। अभी तक धम्म चक्र परिवर्तन दिन के उत्सव पर मार्केट में अंबाटोली पावर हाउस मानिक चिंदूराम टेके के घर, झेंडा चौक विद्यादेवी प्राइमरी स्कूल, मेसराम का बुद्ध विहार, चौका मेला भी बुद्ध विहार, संघ बुद्ध विहार और हर जगह एक सुंदर स्टैचू हमारे एंट्री में कारणकर जी और श्री मेसराम जी के प्लेस पर 14 तारीख के अंदर ऊंचा स्टैचू लगेगा।
वो तुलसर का आधार स्तंभ होगा। मैंने डिसीजन लिया दोस्तों कि 100 फुट का जिसका हाइट दिखेगी 50 फुट तक के, लेकिन बिल्डिंग 40 फुट का फाउंडेशन, वहाँ भी बुद्ध भगवान की प्रतिमा रहेगी और वहाँ ओपन हो रहा है कई कॉलेजेस, कई स्कूल और विद्यापीठ की झलक। वहाँ फुलेकर नगरी बनेगी और अंतिम निर्वाण का स्वाद भी वहां आएगा। दोस्तों, मैं मेरे हैप्पी बर्थडे पर खुश हूं। दान अपरमिता, ये मेरा दिल है। मेरे घर में जैसी खुशी हो। 14 को बहुत बड़ा कार्यक्रम रहेगा। मेरी संस्थे के सभी लोग फादर हाउस में आएंगे और फादर हाउस में कड़ू बाबू खराब या कोई कव्वाली इनके गीत होंगे। हमारे स्कूल की नाटिका होगी। हमारे स्कूल में कैंटीन, लाइब्रेरी, जेरस सेंटर, कंप्यूटर सेक्शन और बोरकर के लिए सुंदर घर बनने जा रहा है। फादर हाउस में हॉस्टल होने वाला है। फादर हाउस के पास जिम क्लब होने वाला है और खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए सबसे बड़ा ग्राउंड होने जा रहा है। अपने अपने योग से साधा, तीनों काल के आप
सृष्टि के हर प्राणी का जीवन आधार। जीवन के अज्ञान को अपने ज्ञान से तुमने मिटाया, पाप नहीं सबके जीवन में ज्ञान का दीप जलाया। धर्म की राह चला कर तुमने ही अधर्म को मिटाया। सत्य का पाठ पढ़ा कर सबको मंजिल तक पहुंचाया। आपकी महिमा गाती है ये देव सृष्टि सारी। क्षमा याचना करते हैं प्रभु भूल हमारी भुलाओ। दया निधि हम किसी विधि भी अपने चरण लदाओ। आपने सबको तारा भगवान हमको भी अब तारो। भक्तों के जीवन नौका को प्रभु जी पार उतारो। ज्ञान का दान हमें भी दे दो हम लोग भी कल कामी। नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं मेरे बहन जो हमारे परिवार से श्रीहरि की बात गई, मेरे बहन के कारण मेरी बहन तो कुर्बान हो गई, लेकिन आज बहन के नाम से ईमानदारी से स्कूल कॉलेज चलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे हाथ से कुछ गलतियां भी अगर हुई होगी तो मुझे मेरी बहन भगवान बुद्ध सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर मुझे माफ करते हैं, संघ भी मुझे माफ करता है और धम्म भी मुझे माफ करता है और बुद्ध भी मुझे माफ करता है। भगवान बुद्ध तेरे चरणों पर गिरते हुए सच्चाई का मार्ग ईमानदारी का मार्ग चलने वाली बातें हैं। सोचता हूं मैं पंचशील का पालन करता हूं, मैं बुद्ध का पालन करता हूं, धम्म का पालन करता हूं। मैंने कुमारी नगर सच्चिदानंद नगरी बनाने का आहुति लिया हूं। और मेरे साथियों, मैं मेरे वो भाई को भी मानता हूं जिसके कारण मैं पीएचडी हुआ, डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर। मैं दिलीप फुलेकर को भी मानता हूं कि जिसकी मेहनत से स्कूल की मंजूरी मिली। मैं श्री अर्जुन राव कस्तूरे और मिसेस कस्तूरे को भी मानता हूँ कि जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे बहुत बड़ी मदद की। मैं मेरे शिक्षण क्षेत्र के दैटनकर से लेकर, क्योंकि दैटनकर की पहली मंजूरी मेरी वाली इंग्लिश स्कूल है और मेरी साथी अवस्थी मैडम को भी मैं मानता हूँ जिन्होंने हमारे स्कूल में आकर बहुत बड़ी क्रांति जताई। बंसल मैडम को भी मानता हूँ,
जिन जिन लोगों ने मुझे साथ दिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत सारे नाम है, इतने नाम अगर लिए जाए तो आधा दिन हो जाएगा, मैं उन सभी को मानता हूँ। मेरे सब हेडमास्टर शिक्षकगण और सभी मेरे विद्यार्थीगण जिन्होंने मुझे बनाया, फुलाया, बड़ा किया, उन सभी को मैं मानता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे बड़े भाई जनार्दन मोहन फुलेकर और अनिता ताई, वहनी मेरी, जिन्होंने मुझे पिताजी के नाम का 2000 स्क्वायर फीट का प्लाट दिए, क्योंकि जहां मैं स्कूल खोला उपतांगे का घर, वहां मेरा बोर्ड फेंका गया, उसको भी बहुत दिल से मानना चाहता हूं, जनार्दन हीरामन फुलेकर और खास करके खुशहाल हीरामन फुलेकर, इन सभी की मेहनत से, यादवराव पवन, इन सभी की मेहनत से आज मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरे आने के पीछे मेरे सभी शिक्षक वर्ग, मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे सभी साथी, मेरा स्टीफन मित्र मनोज मूल और बहुत सारे मित्र हैं, उन मित्रों को भी मैं मानता हूँ। फादर हाउस को संभालने वाले बोरकर को भी मानता हूँ। इस घर को मंदिर बनाने वाले सभी को मैं मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, धम्म को मानता हूँ, संघ को। मैं भंडारे में पहला लॉ कॉलेज खोला, इस बात का मुझे गर्व है और बड़े धनके के साथ में चल रहा है दोस्तों। मेरे लड़के खास करके प्रथमेश फुलेकर और लाभेश फुलेकर, वीरों के बाद क्या है, ऐसे लड़के सभी को मिले इस आशा के साथ में। मेरी लाडली लड़की प्रियंका फुलेकर और मेरा परिवार गौरव मगरे, इनको भी मैं मानता हूँ। उतना ही नहीं, मेरी भतीजी नीलिमा फुलेकर, अजय फुलेकर, सभी मेरे प्यारे लोग, इनको भी मैं मानता हूँ। रीना फुलेकर, जिन जिन ने मुझे मदद किया, ओगले जी है, सुखदेवे है, बागड़े जी है, चोले जी है, बहुते जी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन जिन लोगों ने मुझे मदद किया, उन सभी को मैं आज के दिन शुभकामना देता हूँ, एक आधार के साथ में उनका विश्वास जो मुझे मिला। मेरा लड़का प्रथमेश फुलेकर, जिसने पहली बार क्यूबी के समान डाग मिला दिया, उस क्यूबिक हिल के भी फादर हाउस में हड्डियां वहां हैं। उतना ही नहीं, बोरकर ने मीना नाम की मंजर, जिसने 10 बच्चे पैदा की, उससे भी मैं प्रेम करता हूँ। हमारी शेरनी अभी है, उससे भी मैं प्रेम करता हूँ। मेरा बच्चा 2 कुत्ते अच्छे वाले ला देगा, वो कुत्ते नहीं रहेंगे, घर का परिवार रहेगा। मेरी इच्छा है घोड़ा लेने की, और घोड़ा गाड़ी से लोग गोबरवाई जंगल से इधर जाते जाएंगे, ये मेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, इसको भी मैं मानता हूँ। मेरे साथियों, मेरा लड़का लाभेश फुलेकर घर का पहला एडवोकेट हुआ, और मैंने कस्तूरी साहब के लड़के को आज मेरे कारण PhD है, LLB बनाया, उसके लिए कॉलेज लिया, उस बात को भी मानता हूँ। मैं हमारे प्रफुल्ल भाई, दलाल साहब, जैन जी, इन लोगों को भी मानता हूँ, और काशीराम जी, मुझे टिकट देने वाले देश के PM चंद्रशेखर, रामविलास पासवान,
और वीपी सिंह जिन्होंने मुझे तिरोड़ा से टिकट दिया और मुझे हराने वाले प्रकाश अम्बेडकर को भी मानता हूं, उनकी असमझदारी थी और उनके असमझदारी के कारण ये सब बातें हुई। होता है उम्र की परिपक्वता या दूरदृष्टि को नहीं होने से एक कारण होता है। साथियों, आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है और इस शुभ दिन के अंतर पर मैं फादर हाउस में एक रेखा नाम की गैया लिया हूँ, सुंदर गैया जो 12 लीटर दूध देती है। आज उस गैया का और आज मैं 4-5 लोगों को जाप देने वाला हूँ, जिनके अप्रूवल नहीं गए उनके अप्रूवल पास करने वाली बातें करता हूँ। सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो, इन बातों के साथ में विश्वास के साथ मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है। फादर हाउस में सवेरे 2 घंटे से भी ऊपर मैं बातें करता हूँ। ये मुझे भगवान बुद्ध के कारण जो एनर्जी आई है इन बातों को भी मैं दोहराता हूँ। डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो दे साबुन जैसी सफाई और क्रीम जैसी देखभाल। मेरे अगले मैजिक ट्रिक में पॉल्यूटेड पानी बन जाएगा सेफ। टडा, ये है नया प्योरिट वाइटल। इसमें है फिल्ट्रा पावर टेक्नोलॉजी का मैजिक जो दूषित तत्वों को निकाले और पानी को सेफ बनाए। फिल्ट्रा पावर का मैजिक नए प्योरिट वाइटल सीरीज में। तो आइए दोस्तों, फादर हाउस का बुद्ध विहार लोगों के लिए हॉस्पिटल उत्तर नागपुर बुलटाना हर जगह होने वाला है। मैरिज का हॉल, मैरिज ब्यूरो और लोगों के लिए रहने के वाले सभी बातें। मुझे इस बात का भी गर्व लग रहा है कि मैं मेडिटेशन मास्टर हुआ हूं और लोगों को मेडिटेशन देने के लिए खुद टीचरशिप से ट्रेंड टीचर बना हूं। 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद यहां रहने के लिए व्यवस्था और सब बातें होंगी। लेडीज के लिए हॉस्टल, कोचिंग क्लासेस, विद्यापीठ, सब बातें होने जा रही है। और ये ताकत है बुद्ध की, ये ताकत है धम्म की, ये ताकत है संघ की, ये ताकत है बाबा साहब अम्बेडकर की, ये ताकत है सम्राट अशोक की। मेरे दोस्तों, तुकाराम महाराज का स्टैचू हरदोली में होने वाला है, जगनाड़े जी का स्टैचू खापा रोड पर होने वाला है और मिटेवानी और गुंडी टोला के एरिया में राजभोजो जी का स्टैचू होने वाला है, संत कबीर का स्टैचू उनके विचार के साथ में होने वाले हैं। संसार माया से भरा हुआ है,
संसार माया से भरा हुआ है। मैं खुश हूं, आप सभी खुश रहे, हर घर में खुशी हो, इस आशा के साथ आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद खेड़ेकर। बहुत सारी कल्पना है मेरे जिंदगी, जब तक के श्वास है तब तक के काम करने की इच्छा है, लेकिन शरीर प्रकृति भी अच्छा रहे, मेडिटेशन लोगों को समझे, हर घर में शांति हो, हर परिवार में शांति हो, इसका भी विश्वास के साथ। मैं कई इलेक्शन लड़ा हूं, मैंने अपने जिंदगी में शुरुआत किया अंदर का इलेक्शन, तो पहला तुमसर का इलेक्शन मैं हारा, हारने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन लोगों ने शेर कभी हारते नहीं। ऐसे मैंने तिरोड़ा, तुमसर में 5 आमदारकी के इलेक्शन, तिरोड़ा में 1, भंडारा में 2, ऐसे 8 आमदारकी के इलेक्शन हारा, लेकिन लोगों को गिरा कर हारा, ये भी बात गर्व की है। 1 काशीराम जी ने मुझे टिकट दिया दिल्ली में बुलाकर, उनको भी मानता हूँ, मायावती जी को भी मानता हूँ, इन लोगों का उपकार है, इनका त्याग और बलिदान है। मेरे दोस्तों, मेरे सभी साथियों, भाइयों बहनों, मुझे मदद करने वाले श्री गुप्ता जी सीमेंट, कभी भी हंसकर बातें करने वाले, वैद खान जी गुप्ता जी, इनके कारण मेरे बहुत सारी बिल्डिंग बनी और बन रही है, इन लोगों को भी मैं मानता हूं। हमारे अंसारी जी, हमारे साकरकर जी, हमारे बहुत लोग हैं यार, कितने नाम लो, हमारे जयतवार मैडम, हमारे घाघरे जी, हमारे भीषण जी, बहुते परिवार, रामटेके जी, यार सभी छोटे छोटे लोगों से एक हार बनता है और वही फूल बनता है, इन सभी को मैं मानता हूं। रोधी आखा पापी मन, रोची ने हुंछा कड़ा घारी बन, रिसरा गलाई ध्याले रा, वसों सा वही मीले रा, मेरा परिवार भी खुश है। गरीबों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, गरीब परिवार में जीना, गरीबों के साथ रहना, उनके साथ फोटो निकालना, उनकी भी परिस्थिति अच्छी होना चाहिए, इस प्रेम के साथ मैं जीना चाहता हूँ। मेरी सच्चिदानंद नगरी, जहाँ रहने के लिए लोग आवे, जहाँ बुद्ध विचार के लोग हो, जहाँ स्कूल हो, कई पेड़ हो, कोई बीमारी ना हो। मैंने कई पेड़ तुलसी के, जाम के, आज मैं श्री ओगले जी की मदद से 200 पाम के पेड़, 100 नींबू के पेड़, 100 कड़ू नींबू के पेड़, 100 छोटा पाम के पेड़, विद्या के 100 पेड़, फनस के 100 पेड़ और बहुत सारे पेड़, और तुमसर तालुका में जितने भी बुद्ध खराब हुए, बाबा साहब के स्टैचू खराब हुए, उसको इम्प्रूवमेंट करने की बातें मैं सोचता हूँ। मुझे हर अच्छी बातें करने में मजा आती है,
किसी के घर का दुख नष्ट हो, इसमें मुझे मजा आती है। अब इलेक्शन तो लड़ते लड़ते मैं एक बार टीचर का भी इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। आज मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि इस बार मेरा लड़का सीनेट में चुन के आएगा और अच्छे काम करेगा नागपुर विद्यापीठ में। दोनों लड़के शेर के समान है, शेर के बच्चे शेर होंगे, ये तो तय था और वैसे हुए हैं। शेर शेरनी के बच्चे शेर ही निकलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे शिक्षकों का अगर थोड़ा बहुत कम पगार होगा तो उन्हें भी इम्प्रूवमेंट करने की बातें मैं सोचता हूँ। सभी को खुशी में रखने वाली बातें करता हूँ। मेरे सभी शिक्षक वर्ग, फिर वो सीनियर कॉलेज के हो, फिर बागे नंदागौड़ी जी, रुकी जी, हमारे बीएड कॉलेज है, हमारे पाटिल मैडम, तो जूनियर कॉलेज में लेने वाली बातें करता हूँ। स्वार्थ लोभ सब त्यागो, संतुष्ट मन राखो, छोड़ दिन गुम्बा सब घुमो, उत्तम शरणम पुकारो, ईश्वर को नाम सधई जपो, पाप लाई पाखारो। फिर गोबर भाई जंगल है, वहाँ तो अलग ही कुछ करने जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों ये पूरा आगरी गांव अगर मुझे दे दिए तो वहाँ तो एक नगर बनाऊंगा और सुखी संसार में रहने वाले लोगों को मदद करूंगा। इस आशा के साथ में जो मेरा गुस्सा करते हैं उनको भी प्रेम देने वाली बातें करता हूँ, जो मुझे प्रेम करते हैं उनका भी आशीर्वाद के साथ में बातें करता हूँ। बहुत सारे प्लान है मेरे दिमाग में, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में, तो फिर अमेरिका में भी मेरे लड़कों की प्लानिंग है, तो जरूर करेंगे। जब तक मेरे में दम है तब तक मैं करूँगा और जब तक मेरे बच्चों में दम है तब तक वो करेंगे। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be complete. Medical ke bhi courses aana chahiye, paramedical. One cup of tea. Aur bahut sare courses aana chahiye. In baat ke taraf main dhyan de raha hu. Kaam karna theek nahi, jise karke piche pachtana pade. Aur jiske phal ko ashrumukh ho rote hue bhogna pade. वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्न मन से भोग करे। Thank you.
जो मुझे चाहते हैं निकाले भाई जैसे मैडम साकरकर मैडम खास करके निकाले श्रावणकर परिवार इनका भी आभास मानता हूँ। भोरकर मैडम वास्तविक भाई वास्तविक विलास गढ़ पहले जो मेरे बैनर लगाते हैं यार मेरे को आप लोगों ने बहुत मदद की। आप लोगों को इस बार ये जन्म पूरी नहीं है जी कृष्ण जी हर पली में मुझे बड़ा बनाने के लिए आप लोगों ने 10-10, 7-7 लाख का लोन लिया है और मुझे दिए मेरे में मैं ईमानदार से दूंगा। जिस चोर ने मेरे पैसे खाया इसका भी भला हो। संत कबीर को धोए के साथ शिवा चौधरी की नागदेवे सभी लोगों का मैं एहसास करता हूँ हर पल में मुझे साथ देने वाला विलास वासनिक डोंगरे जी दिल से साथ देने वाला मानिक रामते के खुशी के साथ मैं 11 बजे से सवेरे तक जगा हूँ सब याद कर रहा हूँ। मेरे बहन की लड़कियाँ सुमिता लीना और दिनेश उनको भी मेरी बदुरवानी मुझे मदद करने वाले मैंने जेके और खास करके मिसेस कस्तूर बीमा का भी आवाज जानता हूं।
पति का भला न बोलना, पति की भली न छू, पति का भला न बोलना, पति की भली न छू, पति का भला न बरसना, पति की भली न धूप कबीरा, पति की भली न मुझे बिल्डिंग बांधने में मदद करने वाले राहुल ठेकेदार से लेकर साहू राउ बिल्डिंग छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर लोग इनको भी मान सकते। मुझे पहली बार नगराध्यक्ष के लिए मदद करने वाले मेरे कुंभारे नगर और मेरे अम्बेडकर नगर और मेरे गौतम नगर जिनकी मदद से मैं इस गांव का पहला नगराध्यक्ष बना, ये बातें मैं भूलने का मैं आमदार की सब लड़ाई लड़ता मैं हारा लेकिन खुशी हुआ क्यों मेरे हारने में कोई बेईमानी नहीं, मेरे हारने में ईमानदारी, मैं कभी नाराज नहीं हुआ क्योंकि जिस गांव में जिस जिले में बाबा साहब को हराया यहाँ की जात कैसी नष्ट होगी इन बातों को मैं ध्यान संत कबीर महाराज जगनाड़े महाराज राजपूत तुकाराम महाराज जी विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ति विठ्ठलाची विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ति विठ्ठलाची
गंगा ताय तुझी माया सांगु श्री रंगा संसाराची पंढरी तू केली पांडुरंगा डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा अमृताची गोडी आज आलिया अभंगा विठ्ठला पांडुरंगा अभंगाला जोड टाळची पळ्यांची अभंगाला जोड टाळची पळ्यांची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला लेकरांची सेवा सारे गामा कारवा दोस्तों भक्ति छाछ
मेरे यहाँ खाने पकाने वाले और मरे को मदद करने वाले सूर्यकांता चौधरी और चंद्रकला, इनको भी मैं मानता हूँ। एक ज़माने में मेरे कटिंग करने वाले प्यारे जो आज नहीं है, लाउड स्पीकर से मदद करने वाले मेरे दोस्त भी नहीं है डोंगरे जी, इनको भी मैं मानता हूँ। दोस्तों हर पल को मानता हूँ, हर बातों को मानता हूँ। मेरे दोस्त अमर रगड़े भवसागर जी और मेरे सभी दोस्त जिन्होंने मुझे नगराध्यक्ष बनाए, रगड़े जी सुखचंद जी रगड़े, अमर रगड़े, गणपत मामा, प्रहलाद भाई डोंगरे और बहुत सारे लोग यार, लालवानी, कुंदलदास रोचवानी, मानापुरे, सोनवाने, भूरे, अरविंद और सभी लोगों को मैं मानता हूँ। एक शिक्षक होने के नाते एक सुंदर प्रेर के साथ में भी सवेरे में याद करता हूँ। आपल्या देशात अनेक धर्म अनेक पंत आहेत, एकमेकांच्या भावनांचा आपल्याला नितांत आदर आहे। एवढेच नव्हे तर सर्व धर्म सहिष्णुतेची शिकवण संपूर्ण जगाला आपल्या एकमेकांविषयी असलेल्या प्रेमाने आदराने दिली। एकमेकांच्या अंतःकरणात मानवता रुजवताना आपसुकच भावना शब्दात उतरते। हमारे रोशन जी, गडकरी जी, रोहित जी, हरियाणा मैडम डॉक्टर विश्वास, हमारे बुल्ताना के सभी लोग, इनको भी मानता हूँ। मेरे साथियों, खरा तो एक धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। इस भारत देश को भी मैं मानता हूँ। स्टेशन 5 स्वतंत्र भगवती श्रीमती राजी तुताची ये मेरे भगवान, ये मेरे विश्व घराने वाले, मेरे माता पिता, बुद्धि दे तेज दे।
तेज दी नव चेतना विश्वास सुंदर सर्वता everyone. Thank you.
साथियों, मेरा आत्म चरित्र लिखने वाले और मेरे पर छोटी सी फिल्म बनाने वाले भालेराव जी फुले जी, इनका भी मैं बड़े प्यार से याद करता हूँ। हमारे दुपारे जी, जिन्होंने मुझे लेखक बनाया, प्रभाकर दुपारे, और हमारे खिल्लारे जी, जिसने हमको ला कॉलेज में मदद किया, हमारे मोरे जी, जो जो भी मदद करते यार, उनको दिल में रखते हुए मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्यार का सागर है